चार महीने से पानी के लिए हम परेशान हैं। बताओ 10,000 नौकरी में हम अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए कि हम पानी खरीद के पिए कि हम काम करने के लिए भरे। पार्षद है, विधायक है, वो क्या कहते हैं? वो फोन नहीं उठाते हैं। फोन नहीं उठाते हैं? नहीं, अब फोन उठाते हैं तो हमारे बस की नहीं है। कहाँ कहाँ चलो वहाँ पानी दिलवाते हैं। पानी दिलवाएगा ये? मर जाएंगे हम सब लोग। ये नजारा है फरीदाबाद के संजय कॉलोनी का, जहाँ पिछले 5 महीने से पानी और बिजली की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया, जिसके बाद समस्या से गुस्साई महिलाओं ने सोहना रोड पर जाम लगा दिया, जिसके चलते कई घंटों तक सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस को भी महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पेयजल विभाग और बिजली निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि वार्ड पार्षद और विधायक ने भी लोगों की समस्या का समाधान करने से इनकार कर दिया है। 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। 4 महीना हो गए, पहले 15 दिन में पानी दे रहे थे, अब 1 हफ्ते में आता है और वो भी प्रेशर नहीं है पानी का। पार्षद के पास गए, वो कह रहे हमारे पास में कुछ नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने वोट देकर जिताया विधायक को, क्या बोल रहे हैं वो? वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हमारे पास में कुछ है ही नहीं। ट्यूबवेल के लिए पहले बोला था उन्होंने, लेकिन वो ट्यूबवेल भी नहीं लगा हमारे यहाँ। 2 महीने पहले बोला था कि ट्यूबवेल लगेगा, हम डेली मैसेज करते हैं, लेकिन कोई ट्यूबवेल नहीं लग रहा हमारे यहाँ। हाँ, 4 महीने से पानी के लिए हम परेशान हैं। बताओ 10,000 नौकरी में हम अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए कि हम पानी खरीद के पिए कि हम काम करने के लिए भरे, फोन नहीं उठाते हैं तो हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो रोड को जाम करने से पानी मिल जाएगा? पानी का क्यों नहीं, और क्या करें, और क्या करें भाई? यही करेंगे और क्या करें फिर? यही तरीका है हमारा फिर, और हम क्या करें? बता दे आपको, देखिए लोग परेशान मोल भरवा के भरवा के पागल हो गए। जब वोट के लिए पानी आता है, आपको एक बार पानी आता है, आज 6 महीने से नहीं आ रहा, 6 महीने से नहीं आ रहा पानी। यही है सेक्टर 23, संजय कॉलोनी सेक्टर 23। कहाँ कहाँ चलो वहाँ पानी दिलवाते हैं। पानी दिलवाएगा ये? मर जाएंगे हम सब लोग। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद निगम अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते उन्हें पानी खरीद कर परिवार चलाना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कॉलोनी वासियों की समस्या का समाधान कब तक कर पाता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।